गढ़कुंडार की इस पावन पुण्य भूमि को शौर्य बलिदान और इतिहास को एक ऐसी इबारत इस गंडकुंडार ने दी है, इस भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। 27 दिसंबर ये बुंदेलखंड के इतिहास का कि वो तारीख है जब हम यहाँ एक छोटे से कुंभ को देखते हैं और ये 3 दिन का चलने वाला कुंभ का समागम, इसमें आज समापन का दिवस है। ये हमारे लिए बड़े गौरवशाली मंच है, गौरवशाली भूमि है, इसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पर विराजमान निवाड़ी जिले के कलेक्टर महोदय, हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र सूर्यवंशी जी, पुलिस अधीक्षक, मेरे बड़े भाई श्री टीके विद्यार्थी जी, समाज के इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश खंगार नन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे जिले के महामंत्री मुकेश दांगी जी, मंगेश रामपुरिया जी, जिले के मंत्री श्री पुष्पेंद्र यादव जी, और इस मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई अशोक मिर्धा जी, नारायण परिहार जी, एच के खंगार साहब, हाकिम सिंह जी, गोविंद सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, उपस्थित हमारे जिले के सभी सम्माननीय पत्रकारगण, आदरणीय दादा ओम प्रकाश खरे जी, सुधीर नायक जी, सुनील मोदी जी, अनुराग चतुर्वेदी जी, दीपक निखरा जी, राजीव गुप्ता जी, डीके हरवार जी, दुर्गेश द्विवेदी जी, कमल सोनी जी, रूपेंद्र राय जी, अमित जी, विवेक दांगी जी, अस्फान खान जी, मित नायक जी, राजेश तिवारी जी, सभी उपस्थित, गौरव खरे जी उपस्थित, सभी देश के कोने कोने से आए हमारे क्षत्रिय समाज के, खांगर समाज के सभी पूजनीय माताएं बहने, मेरे युवा साथियों, आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं इस निवाड़ी जिले की धरा पर। साथियों, 2006 जब ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था तो एक मन में मैं 2006 का साक्षी हूं और हमारे पिंडारी जी सबसे पहले ओरछा में हमारे पास आए थे और चर्चा की और उनकी एक मन में जिज्ञासा थी और होना भी चाहिए क्योंकि महाराजा खेत सिंह कोई सामान्य नाम नहीं है। साथियों, गुजरात के सौराष्ट्र में जूनागढ़ में 27 दिसंबर 1940 को एक महापुरुष जन्म लेता है और उस परिवार में एक ऐसा बालक अद्भुत जन्म लेता है जिसने सौराष्ट्र को एक पहचान दी और उसके बाद बुंदेलखंड को, इस गौरवशाली इतिहास को गढ़ने में महाराजा खेत सिंह का नाम है। अभी दादा ने एक बात कही हमारे आदरणीय ओम प्रकाश खरे जी ने कि मैं अब की बार अगला मेरा जन्म जो हो वो खांगर छत्री समाज में होना चाहिए, ये मैं भगवान से मांगूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि इस समाज का इतिहास है और इतिहास भी इतना गौरवशाली है कि महाराजा खेत सिंह हो और चाहे केसरदा हो, उन्होंने जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था और देश की वीरांगनाओं पर अत्याचार कर रहे थे तो तब केसरदा ने अग्नि कुंड स्नान किया था, जौहर किया था, ये वो गौरवशाली समाज है।
हम सबको उन पर गर्व नहीं है। हमारे लिए एक इतिहास का वो ऐसा अध्याय है जिसमें आज भारत की जो न्यू है, भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको महाराजा केत सिंह और उनके पूर्वजों ने गढ़ा है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये चिंता की कि ये वो समाज है जिसने इस देश के इतिहास से लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उन्होंने ये तय किया कि जब बुंदेलखंड की प्रथम राजधानी, बुंदेलखंड की वह गौरवशाली राजधानी गढ़कुंडार, जो अपेक्षाओं से लंबे समय से पीड़ित है, कई सरकारें रही, कांग्रेस की रही और बाकी सरकारें रही, किसी ने ये चिंता नहीं की, लेकिन मन में ये पीड़ा थी कि ये समाज, इस समाज को यहाँ पर एक ऐसा समागम होना चाहिए, यहाँ पर कुंभ होना चाहिए, ताकि देश में जो ये समाज जगह जगह पूरे देश में है, उनको कम से कम 3 दिन यहाँ रहने का मौका मिले। और मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, और मैं धन्यवाद करता हूँ जिले के कलेक्टर साहब और एसपी साहब को। हम सबका सौभाग्य, और मैं इस मंच से कहने में मुझे किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं है, जब से हमारे भाई नरेंद्र सूर्यवंशी जी निवाड़ी जिले में आए हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं, कोई कार्यक्रम हो, और मैंने जब 10 दिन भाई साहब से आग्रह किया कि हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, आचार संहिता लगी है, तो कलेक्टर साहब ने कहा, एसपी साहब ने कहा कि लगी रहने दो आचार संहिता, कार्यक्रम होगा और होना भी चाहिए, और इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। साथियों, चिंता करने की बात नहीं है, मैं ये दावा करता हूँ कि आपकी समाज से प्रेरणा लेकर के इस पूरे देश की जितनी भी समाजें हैं, वह आपसे प्रेरणा लेकर के इस भारत को वैभवशाली बनाने में लगी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, आप ये देखिए, जहाँ ये समाज रहती है, उस समाज में बाकी समाज के लोगों को उनसे बड़ा साहस, बड़ा धैर्य और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आप सबका ऋणी हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय होगा, 2 वर्ष का जो समय रहा कोरोना काल का, उस समय हम सारे लोग, पूरे निवाड़ी जिले के लोग प्रतीक्षा लगाए रहते थे कि 27 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक ये 3 दिन का जो मेला लगता है, 3 दिन में जो हमारे देश भर से हमारे जो अतिथि आते हैं, हमारे जो परिवार के लोग आते हैं, उनका हमको स्वागत करने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवान ने फिर से वो दिन हमको लौटाए हैं, हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, और माँ गजानन से प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना जैसी महामारी पर भी एक बार मैया ब्रेक लगाना, ये आगे ना बढ़े, ताकि इस देश को बढ़ने में, इस मध्य प्रदेश को बढ़ने में आप सबका जो आशीर्वाद है वो आगे भी बना रहे। आप चिंता मत करना, ये कार्यक्रम की जिम्मेवारी, हम सब लोग इस कार्यक्रम के अतिथि नहीं है, हम सब लोग आपके सेवक हैं। आप तो इतनी दूर दूर से आते हो और बिना किसी व्यवस्था के इस पंडाल के नीचे 3 दिन रहते हो, हम पर जो टूटी फूटी, जो आपके सेवा में पलक पौड़े बिछा करके हम जो आपका स्वागत करना चाहते हैं, वो आने वाले समय में हमको गजानन माता हमको इतनी शक्ति दे, ताकि आप सबको हम इसी स्थल पर एक ऐसे स्थल बना करके और शानदार महल बना करके आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था कराएं। ये मैया से हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि आप हमको 3 दिन नहीं, ये कार्यक्रम आने वाले समय में कम से कम 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा, ये हम लोग मध्य प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनय करेंगे कि समाज को यहाँ 7 दिन रहने का मौका मिले। और चिंता मत करना, माता कृपा करेंगी, आने वाला समय आप सबके लिए और इस गढ़कुंडार के लिए वैभवशाली होगा। इस समाज को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। हाथ जोड़ करके आप सबको एक बार प्रणाम करता हूँ। जय गजानन मैया की, जय खेत सिंह महाराज की।